नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। दोस्तों, आज की कहानी एक डायन के ऊपर है। मदन गांव में रहता था। उसकी बीवी शीला और एक ही बेटी सोनी थी। मदन का छोटा भाई प्रकाश शहर में नौकरी करता था। उसकी बीवी सीमा और उसकी भी एक ही बेटी नैना थी। दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। प्रकाश जब से शहर गया था वो तब से एक बार भी गांव नहीं आया था। वो लोग रोज़ फ़ोन पर बातें करते और वीडियो कॉल भी करा करते थे। नैना को फ़ोटो खींचने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। मदन अपना गांव में ही खेती बाड़ी का काम करता था। मदन की 25वीं सालगिरह थी तो प्रकाश मदन से बोलता है कि मदन भैया, हम लोग सब गांव पर आपकी सालगिरह मनाने आ रहे हैं और आपकी 25वीं सालगिरह बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। मदन अपने भाई के आने की खबर सुनकर बहुत खुश होता है और ये खबर वो अपनी पत्नी और बेटी सोनी को बताता है। वो लोग भी बहुत खुश होते हैं। सोनी अपने पापा के साथ उन लोगों को लेने जाती है। मदन, सोनी, प्रकाश, सीमा और नैना को लेकर घर आते हैं। मदन प्रकाश से पूछता है कि रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई। प्रकाश बोलता है, नहीं भैया, सब ठीक से आ गए। अब सब घर पहुंचते हैं। शीला आरती की थाल लेकर सबकी आरती करती है और बहुत खुशी खुशी से सबका स्वागत करती है। सब लोग इतने साल बाद मिलकर बहुत खुश थे। शीला सबको खाना खिलाती है। शीला ने सारा खाना प्रकाश की पसंद का बनाया था। प्रकाश और सब लोग खाना खाकर भाभी शीला का धन्यवाद करते हैं। अब सब लोग सोने के लिए जाते हैं। सोनी और नैना साथ में सोती हैं। सोनी नैना से बोलती है, नैना, यहाँ गांव में घूमने की बहुत जगह है। नैना भूतों पर विश्वास नहीं करती थी तो नैना सोनी से बोलती है कि यहाँ गांव में कहीं भूत रहते हैं। तो सोनी बोलती है, हाँ, एक बहुत पुराना घर है, उसी घर में एक पीपल का पेड़ है। सब लोग बोलते हैं कि उस घर और पेड़ पर डायन का वास है, पर आज तक उस डायन ने किसी को परेशान नहीं किया, क्योंकि शुरू में वो डायन सबको परेशान करती थी। फिर उस घर को मंत्र से बांध दिया गया, अब वो किसी को परेशान नहीं करती, पर वहाँ पर कोई नहीं जाता है। नैना सोनी की बातें सुनकर अब उस पेड़ और घर को देखने के लिए एक्साइट हो जाती है। अब सुबह सब लोग उठ कर के नाश्ता करते हैं। फिर नैना सोनी से बोलती है, दीदी, चलो थोड़ा बाहर घूमकर आते हैं। तो सोनी अपनी माँ से बोलकर नैना को बाहर घुमाने ले जाती है। शीला बोलती है, सोनी, नैना को उस पुराने पीपल के पेड़ के पास मत लेकर जाना, पर इंसान की आदत होती है, उसे जहाँ जाने को मना करो तो वो वहीं जाने की जिद करता है। नैना भी सोनी से बोलती है कि दीदी, मुझे भी वो पुराना पीपल का पेड़ देखना है। सोनी के मना करने के बाद भी नैना की जिद पर सोनी दूर से ही वो पेड़ दिखाती है। नैना सोनी से बोलती है, दीदी, थोड़ा पास चले, तो सोनी मना कर देती है और सोनी नैना से बोलती है कि कुंवारी लड़कियों को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है और उस पेड़ से कोई पत्ता भी नहीं छूना है। नैना बोलती है, क्यों दीदी, ऐसा क्यों है? तो सोनी बोलती है कि उस पेड़ पर डायन का वास है। सोनी नैना से बोलती है, चलो अब घर चलो। तो नैना बोलती है, दीदी, अभी तो हमें आए हुए कुछ ही देर हुई है, थोड़ी देर और रुकते हैं। सोनी नैना को गांव और गांव की हरियाली दिखाती है। नैना बहुत सी फ़ोटो खींचती है। वैसे ही बारिश का मौसम हो जाता है। सोनी नैना से बोलती है, यहाँ से कहीं नहीं जाना, मैं घर से छाता लेकर आती हूँ। हवा बहुत तेज चल रही थी, उसी हवा में एक पीपल का पत्ता उड़ कर के नैना के पास आता है। वो पीपल का पत्ता बहुत ही बड़ा होता है। नैना उस पत्ते को उठा लेती है। तभी वहाँ पर सोनी आती है। सोनी बोलती है कि ये पीपल का पत्ता तुम्हारे पास कैसे आया? तो नैना बोलती है, दीदी, पता नहीं, हवा में उड़ कर के मेरे पास आया है। तभी ज़ोरों से बारिश होने लगती है। सोनी नैना को लेकर घर जाती है।
रास्ते में दोनों भीग जाते हैं। नैना वो पीपल का पत्ता अपने साथ घर ले जाती है। उस पत्ते पर घर में किसी की नज़र नहीं पड़ती है। रात को एकाएक नैना को बहुत तेज बुखार हो जाता है। सबको लगता है कि बारिश में भीगने से नैना बीमार हो गई है। रात में सोनी नैना के साथ सोती है। नैना ने सोनी से बोला, दीदी जब वो पीपल का पत्ता मेरे पास आया तो एक तांत्रिक वहाँ पर मुझे बोलने लगा कि ये पत्ता फेंक दो और अपने घर चले जाओ। तो सोनी बोलती है, हाँ वो तांत्रिक उस पीपल के पीछे वाले जंगल में रहता है। सोनी नैना को बोलती है कि अब तुम सो जाओ, जब ठीक होगी तो हम और बातें करेंगे और घूमेंगे। नैना और सोनी सो गए। तभी अचानक नैना रात में बहुत तेज तेज चिल्लाने लगती है। सोनी नैना को संभालने की कोशिश करती है। सोनी नैना को अजीबो गरीब टाइप से शरीर को करते देखकर अपने माँ बाप और चाचा चाची सबको बुलाती है। नैना चिल्ला रही थी कि पीपल के पेड़ वाली डायन आ गई है, वो मुझे अपने साथ ले जाएगी। अभी सब लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही नैना की मौत हो गई। पूरा घर सदमे में चला गया। सुबह होते ही वो तांत्रिक वहाँ आता है और बोलता है कि मैंने इस लड़की को पीपल का पत्ता फेंकने को बोला था, पर वो उस पत्ते को अपने साथ घर ले आई। अब वो डायन जाग गई है, वो तुम्हारी दूसरी बेटी सोनी को भी मार डालेगी। उस डायन को 5 कुंवारी लड़कियों को मारने के बाद फिर से शक्ति मिल जाएगी। अभी उस डायन ने एक लड़की को मारा है, दूसरा निशाना आपकी बेटी सोनी पर है। ये सब सुनकर सोनी के माँ बाप पूछते हैं, बाबा अब हम क्या करें? तो बाबा बोलते हैं कि गांव वालों के साथ मिल कर के पीपल के पेड़ के नीचे डायन का कंकाल है, उसे जलाने से वो डायन खत्म हो जाएगी। मदन गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करता है। सभी लोग को इकट्ठा करते करते शाम हो जाती है। वो लोग पीपल के पेड़ के पास जाते हैं और कंकाल को खोद खोद कर ढूंढते हैं। इधर सोनी की बहुत तबीयत खराब हो जाती है। शीला और चाची दोनों बहुत परेशान हो जाती हैं। बहुत परेशानी के बाद आखिरकार कंकाल मिल जाता है और सब लोग उस कंकाल को जला देते हैं। तांत्रिक के मंत्रों ने डायन को रोक रखा था और तांत्रिक की सूझबूझ से आज सारा गांव उस डायन से मुक्त हुआ और सभी लड़कियों की जान बची। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।